चलते हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज का विषय है सामान्य विज्ञान। ये सारे प्रश्न उत्तर वर्ग 7 से लिया हूँ। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला नंबर, केचुआ किस अंग से सांस लेता है? जी हाँ बताइए। एक, त्वचा से। दो, गिल या गलफरे से। सी, रंधों से। डी, नाक से। जी बताइए। इसका आंसर ए है, त्वचा से। आगे दूसरा सवाल, मछली किस अंग से सांस लेती है? ए, त्वचा से। दो, गिल या गलफरे से। सी, रंधों से। डी, नाक से। ये बताइए। इसका आंसर है बी, गिल या गलफरे से। चलते हैं तीसरा प्रश्न, पत्तियां किसके द्वारा वायु को अंदर लेती है? ए, त्वचा से। बी, गिल या गलफरे से। सी, सूक्ष्म रंध्रों से। डी, नाक से। ये बताइए। इसका आंसर है सी, सूक्ष्म रंध्रों से। चौथा प्रश्न, शरीर से विषैले एवं दूषित पदार्थ मल मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए, उत्सर्जन। बी, उत्सर्जित। सी, गंदगी। डी, उत्पादन। जी बताइए। इसका आंसर ए है, उत्सर्जन। ठीक है, आगे, जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके, उसे क्या कहते हैं? ए, सुषुप्तावस्था। बी, सुषुप्त। सी, सुषुप्तांग। डी, असुष्त अवस्था। ये बताइए। इसका आंसर ए है, सुषुप्तावस्था। छठा, ऊंट के कुबर में भोजन किस रूप में पाया जाता है? ए, चर्बी के रूप में। बी, वसा के रूप में। सी, जल के रूप में। डी, ठोस के रूप में। जी बताइए। ऐसे ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। जी बताइए। इसका आंसर ए है, चर्बी के रूप में। आगे सातवां नंबर, पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे किस आकार के होते हैं? ए, शंक्वाकार। बी, बेलनाकार। सी, वृत्ताकार। डी, त्रिभुजाकार। जी बताइए। इसका आंसर ए है, शंक्वाकार। ठीक है, आगे डी, डॉल्फिन एवं ह्वेल जैसी जंतुओं में क्या नहीं होते हैं? त्वचा। ए, त्वचा। बी, गिल या गलफरे। सी, फिन। डी, नाक। बताइए क्या होते हैं। इसका आंसर होता है बी, गिल या गलफरे। चलते हैं नौवां नंबर, प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? ए, अपतित किरण। बी, परिवर्तित किरण। सी, सीधी किरण। डी, वक्र किरण। ये बताइए। इसका आंसर ए है, अपतित किरण। दसवां, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन अल्वा। बी, थॉमस अल्वा। सी, अब्राहम। डी, ब्रेल। ये बताइए। इसका आंसर ए है, थॉमसन अल्वा। ग्यारह, बल्बों का फिल्मामेंट किसके बने होते हैं? ए, टंगस्टन का। बी, क्रोम का। सी, तांबा का। डी, पीतल की कुंडली का। बताइए। इसका आंसर ए है, टंगस्टन का। चलते हैं, लटका हुआ चुंबक किस दिशा को दर्शाता है? ए, उत्तर दक्षिण दिशा को। बी, उत्तर पूर्व दिशा को। सी, उत्तर पश्चिम दिशा को। डी, उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा को। बताइए। इसका आंसर ए है, उत्तर दक्षिण दिशा को। तेरह, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? ए,
मृदु लोहा के रूप में, बी ठोस लोहा के रूप में, सी लंबत लोहा के रूप में, डी तांबा के रूप में। ये बताइए। ए मृदु लोहा के रूप में। आगे, पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा हुआ है? ए एक तिहाई, बी एक बटा दो भाग, सी दो बटा तीन भाग, डी तीन बटा चार भाग। ये बताइए कितना? दो बटा तीन भाग। आगे, पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का कितना प्रतिशत खारा जल है? ए 71%, बी 71.06%, सी 97.5%, डी 78.05%। बताइए। इसका आंसर सी है, 97.5%। 16, वाष्प ठंडा होकर जल में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए वाष्पोत्सर्जन, बी वाष्पीकरण, सी असंघनन, डी संघनन। ये बताइए। डी संघनन। 17, पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पोत्सर्जन, बी वाष्पीकरण, सी असंघनन, डी संघनन। ये बताइए। इसका आंसर ए है, वाष्पो उत्सर्जन। चलते हैं डी। आगे, 18 नंबर, नाइट्रोजन की मात्रा वायु का कितना भाग है? ए 4/5 भाग, बी 3/4 भाग, सी 2/3 भाग, डी 1/2 भाग। बताइए। इसका आंसर है ए 4/5 भाग। 19 नंबर, कौन से दांत का कार चीरने फाड़ने का काम है? ए कृतंक इंसाइजर, बी रदनक केनाइन, सी अग्रचर्णवर्णक प्रीमोलर, डी चवर्णक। बताइए। इसका आंसर है बी रदनक। 20 नंबर, अगर यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है मित्रों, और लाइक पसंद आए तो शेयर कीजिए, और न पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, आगे आपकी मर्जी। 20, मुंह में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां होते हैं? ए 2 जोड़े, बी 3 जोड़े, सी 4 जोड़े, डी 5 जोड़े। बताइए। इसका आंसर है बी 3 जोड़े। यहां तक बने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।